बहुत अच्छा है, मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत प्यारा है, बहुत स्वीट है, लेकिन थोड़ा कंजूस है। पैसे मांगा क्या तेरे को? हाँ पैसे मांगा क्या? मैंने गर्लफ्रेंड थी अब नहीं है। हाँ अब नहीं है, ब्रेकअप हो गया। अरे छोड़ यार, ये सब फिक्स होता है, सब फिक्सिंग होता है। तो ये मेरा दोस्त बोलेगा भाई तो फिक्सिंग होता है। तो चलिए दोस्तों समझने की कोशिश करते हैं ये कैरेक्टराइजेशन क्या है। आपको तो मालूम है हमारे देश में बहुत सारी अरेंज मैरिजेस होती है। अरेंज मैरिजेस में होता क्या है, लड़का उसके माता पिता लड़की के घर आते हैं लड़की को देखने के लिए। उस वक्त लड़की के घर लड़की के माता पिता, लड़की का भाई, लड़की का एकाध चाचा, एकाध पड़ोसी, ऐसे बहुत सारे लोग आए हुए होते हैं। ये सब लोग लड़के को बारीकी से देखने लगते हैं। लड़का दिखने में कैसा है देखते हैं, पर्सनालिटी कैसी है, बाल कैसे हैं, मोबाइल का ब्रांड कौन सा है, हर एक चीज ऑब्जर्व करते हैं। और जैसे ही लड़का अपने घर जाता है और फोन करके बता देता है कि लड़की तो हमें पसंद है, अब आपका डिसीजन हमें बताइए, लड़की वाले के घर का हर एक आदमी काम में लग जाता है, लड़की के बारे में इंफॉर्मेशन निकालने के पीछे लग जाता है, हर एक सोर्स से छानबीन करना शुरू कर देता है। लड़की के चाचा लड़के के ऑफिस से इंफॉर्मेशन निकालने की कोशिश करते हैं। प्रोफाइल में जो सैलरी बताई है क्या उसे वो सैलरी मिलती है या नहीं मिलती है? अच्छा मिलती है, रोज काम पे आता है कि नहीं आता है? आता है, वेरी गुड। लड़की का भाई लड़के के किसी दोस्त से इंफॉर्मेशन निकालने की कोशिश करता है, कैसा है वो, नेचर कैसा है उसका? अच्छा गर्लफ्रेंड थी अब नहीं है? हाँ अब नहीं है, ब्रेकअप हो गया। अच्छा सिगरेट पीता है? नहीं पीता। ओ और ड्रिंक्स पीता है? ओकेजनली। हाँ हाँ हाँ। लड़की खुद लड़के के साथ बाहर जाती है क्योंकि वो भी जानना चाहती है कि ये लड़का है कैसा। कभी लंच पे जाते हैं, लंच पे से आने के बाद लड़की अपना ओपिनियन घर में शेयर करती है। मम्मी बहुत अच्छा है, मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत प्यारा है, बहुत स्वीट है, बहुत रिस्पेक्ट करता है, लेकिन थोड़ा कंजूस है। होटल में मैंने मेनू कार्ड लिया और मैं आइटम्स दिख रही थी और ये रेट्स दिख रहे थे, कैसे होगा क्या पता, लेकिन अच्छा है, मुझे अच्छा लगा। देखा ये सब लोग क्या कर रहे हैं, लड़की के घर का हर एक आदमी उस लड़की के बारे में जितना ज्यादा हो सके इंफॉर्मेशन निकालने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि वो सब लोग उस लड़के को जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं कि ये आदमी ये लड़का है कैसा। ठीक इसी तरह दोस्तों एक एक्टर को अपने कैरेक्टर के बारे में जानना चाहिए, समझना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा समझने की कोशिश करनी चाहिए। अब किसी भी कैरेक्टर को ज्यादा से ज्यादा समझने के लिए क्या करना चाहिए? फिल्म इंडस्ट्री में किसी कैरेक्टर को समझने के लिए, जानने के लिए लिखा जाता है कैरेक्टराइजेशन। जैसे मैंने कहा कि लड़की के घर वाले लड़के के बारे में सारी इंफॉर्मेशन निकालते हैं, वैसे ही एक राइटर किसी भी कैरेक्टर के बारे में जितना हो सके उतनी इंफॉर्मेशन निकालता है और एक्टर को देता है। अब एक्टर को उस कैरेक्टर को समझने के लिए उस कैरेक्टराइजेशन को समझना पड़ता है। क्या क्या होता है उस कैरेक्टराइजेशन में, ऐसे कौन से पॉइंट होते हैं उस कैरेक्टर के बारे में जिससे हमें वो कैरेक्टर ज्यादा से ज्यादा समझ में आता है। चलिए वन बाय वन उन पॉइंट्स को समझने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों कैरेक्टराइजेशन में सबसे पहला मुद्दा आता है उस कैरेक्टर का नाम। जी हां दोस्तों, किसी भी कैरेक्टर के नाम की वजह से हमें उस कैरेक्टर के बारे में बहुत सारी चीजें समझ में आती है। जैसे कि अगर किसी एक आदमी का नाम हो आकाश मुखर्जी और दूसरे आदमी का नाम हो आकाश कांबले,
तो इन दोनों आदमियों के बारे में आपको क्या समझ में आया? मैं समझाता हूं। सबसे पहले तो हमें यह समझ में आया वो है इन दोनों का अपना अपना प्रांत। जैसे कि आकाश मुखर्जी जो है वो वेस्ट बंगाल से है और आकाश कांबले जो है वो महाराष्ट्र से है। यानी कि आकाश मुखर्जी बंगाली है और आकाश कांबले महाराष्ट्रियन यानी मराठी है। इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है इन कैरेक्टर्स का यानी कि इन आदमियों की जात। जी हां दोस्तों, पिछले 10-15 सालों से हमारे यहां फिल्मों में, वेब सीरीज में, बहुत सारी शॉर्ट फिल्म्स में वास्तविकता को दिखाने की कोशिश की जाती है। इसलिए ज्यादा से ज्यादा रियल लोकेशंस, ज्यादा से ज्यादा रियल लोग और ज्यादा से ज्यादा रियल जात, ज्यादा से ज्यादा रियल धर्म, ज्यादा से ज्यादा रियल कल्चर दिखाने की कोशिश की जाती है, जिससे ऑडियंस जो है वो लोगों से यानी कि पर्दे के ऊपर के कैरेक्टर से जल्द जुड़ जाए, जल्द से जल्द रिलेट हो जाए। तो दोस्तों इसलिए आज के जमाने में कास्ट भी मेंशन करना बहुत जरूरी होती है कैरेक्टर के बारे में। कास्ट की वजह से हमें उस कैरेक्टर के कल्चरल बैकग्राउंड के बारे में पता चलता है, यानी कि उनकी सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, उनकी रीति रिवाज क्या है, वो लोग कैसे रहते हैं, उनके विचार कैसे हैं, किस तरह के विचार वो करते हैं, ये सब जो चीजें हैं वो किसी भी कैरेक्टर के धर्म और जात की वजह से, उनके प्राण की वजह से हमें पता चलती है। तो देखो एक नाम की वजह से हमें कितनी चीजों का पता चलता है। तो कभी भी अगर आपको कोई भी कैरेक्टर करना हो तो सबसे पहले नाम के बारे में सोचिए। जो नाम आपको दिया गया है उसके पीछे की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि यानी कि कल्चरल बैकग्राउंड को सोचिए। तो दोस्तों कैरेक्टराइजेशन में दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है उस कैरेक्टर की एज यानी उस कैरेक्टर की उम्र। उम्र से हमें क्या पता चलता है, किसी भी कैरेक्टर की उम्र से हमें क्या पता चलता है, किसी भी कैरेक्टर की एज से हमें क्या पता चलता है, हमें पता चलता है उस कैरेक्टर की मैच्योरिटी यानी कि उस कैरेक्टर की परिपक्वता। कोई 6 साल का बच्चा किसी सिचुएशन में वैसे नहीं रिएक्ट करेगा जैसे कोई 60 साल का आदमी रिएक्ट करता है, और कोई 60 साल का आदमी किसी सिचुएशन में वैसे नहीं रिएक्ट करेगा जैसे कोई 20 साल का जवान करता है। चलिए मान लीजिए एक बस स्टॉप है, उस बस स्टॉप पर 3 जन खड़े हैं, एक है 5 साल का बच्चा, एक 20 साल का जवान और एक 60 साल का आदमी। मान लीजिए सामने रास्ते पर कोई एक लड़की साइकिल चलाती हुई जा रही है जोर से, तेजी से, और अचानक गिर जाती है, तो 5 साल का लड़का जोर जोर से हंसने लगता है क्योंकि उसके लिए तो ये मजे वाली बात है। 20 साल का लड़का हंसता नहीं है, वो तुरंत जंप करके उस लड़की के पास जाता है, उसकी साइकिल उठाता है, उसकी हेल्प करता है, उसे पूछता है कि कहीं उसे लगा तो नहीं है कि नहीं। और 60 साल का आदमी, 60 साल का आदमी वही खड़ा उस लड़की के बारे में बोलते रहता है, ये कैसी लड़की है, ऐसे चलाता है कि साइकिल, कुछ सिखाया कि नहीं इसके माँ बाप ने इसे, हैं? ये क्या कपड़े पहन के रखे हैं, क्या करें आजकल के लड़कों का, है कि नहीं। तो देखिए हर एक की उम्र के हिसाब से हर एक कैरेक्टर रिएक्ट होता है, यानी कि किसी भी कैरेक्टर की एज अलग अलग प्रकार से रिएक्ट करने के लिए मजबूर करती है। हाँ ये आप मुझे जरूर पूछ सकते हैं कि ऐसे थोड़ी ना होता है, हर एक आदमी अपने अपने उम्र के हिसाब से हर वक्त रिएक्ट नहीं करता या फिर रिएक्ट भी नहीं करता, हो सकता है। हम इसे एक्सेप्शन कहते हैं यानी कि अपवाद। एक्सेप्शनल कैरेक्टर्स यानी कि एक्सेप्शनल लोग जैसे हमारे जिंदगी में होते हैं वैसे ही हमारी कहानियों में भी होते हैं, हमारी फिल्मों में भी होते हैं। क्यों होते हैं ये? क्योंकि हमारे जिंदगी में भी ऐसे लोगों में हम ज्यादा इंटरेस्ट लेते हैं क्योंकि वो एक्सेप्शनल होते हैं। वैसे ही स्टोरीज में, कहानियों में ऐसे एक्सेप्शनल कैरेक्टर्स जब भी आते हैं दर्शक बहुत इंटरेस्ट लेते हैं। अब यही उदाहरण देखिए, बस स्टॉप पे खड़े हैं ये 3 जन, एक 4-5 साल का बच्चा, एक 20 साल का जवान और एक 60 साल का बूढ़ा। हो सकता है कि 20 साल का लड़का उस लड़की को देखे और कुछ न करे, वो अपने मोबाइल में वीडियो देखता रहे, लेकिन 60 साल का आदमी झट से जाके उस लड़की को उठने के लिए मदद करे,
उसकी साइकिल उठाए, उसे चेक करे, उसे बोले कि बेटा तुम्हें कहीं लगा तो नहीं, ऐसी साइकिल नहीं चलानी चाहिए, अपने आप का ख्याल रखो, इतने तेज मत चलाओ, ऐसा हो सकता है शायद उस बूढ़े आदमी को कोई संतान नहीं, शायद उस बूढ़े आदमी को अपना कोई बेटा ना हो, अपनी कोई बेटी ना हो, शायद वो समझ सकता है कि जिनके बेटे हैं, जिनकी बेटियां हैं, उन्होंने अपने बेटों को किस तरह से संभालना चाहिए, किस तरह से अच्छी अच्छी आदतें सिखानी चाहिए। ऐसे लोग होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं। आपने भी तो बहुत बार देखा होगा जिनके खुद के बच्चे नहीं होते, उनको दूसरों के बच्चों के प्रति बहुत लगाव होता है, लेकिन इन्हीं को कहते हैं एक्सेप्शनल कैरेक्टर। स्टोरियों में भी होते हैं, कहानियों में भी होते हैं और हमारे लाइफ में भी होते हैं। तो चलिए अब जान लेते हैं आगे का मुद्दा क्या है। तो दोस्तों, कैरेक्टराइजेशन का हमारा नेक्स्ट मुद्दा है उस कैरेक्टर का एक्सटर्नल अपीयरेंस, यानी कि बाह्य स्वरूप। दिखने में कैसा है वो कैरेक्टर, मोटा है, पतला है या बॉडी बिल्डर है, अपने शरीर का ख्याल रखने वाला है कि नहीं, बाल कैसे है उसके, कपड़े कौन से पहनता है, ब्रांडेड पहनता है या ऐसे कुछ भी, घड़ी कौन सी पहनता है, एक्सेसरीज कौन सी यूज करता है, बैग यूज करता है, कौन सी बैग यूज करता है, मोबाइल कौन सा यूज करता है, ब्रांडेड यूज करता है, स्मार्टफोन यूज करता है या 800 रुपए वाला सीधा साधा मोबाइल यूज करता है। इन सब चीजों से हमें उस कैरेक्टर के बारे में बहुत कुछ पता चलता है। मान लीजिए दो लड़कियां हैं, एक का नाम है नम्रता, एक का नाम है निधि, दोनों एक ही ऑफिस में काम करती है। दोनों को सुबह 8 बजे ऑफिस पहुंचना होता है। नम्रता जो है वो 7 बजे उठती है, फटाफट से ब्रश करती है, नहाने जाती है, बाहर आती है, एक जींस पहन लेती है, टी शर्ट पहन लेती है, हेयर बैंड लगाती है, घर में जो कुछ भी हो बचा कुचा खा लेती है, बाहर जाकर स्कूटर पर बैठकर अपने ऑफिस निकल जाती है। लेकिन निधि का सब कुछ अलग है। निधि उठती है सुबह 5:30 बजे, उसके बाद वो जाती है मॉर्निंग वॉक करने, मॉर्निंग वॉक करती है, एक्सरसाइजेस करती है, घर में आने के बाद अपने कपड़ों की अलमारी खोलती है और आज का पहनने वाला ड्रेस बाहर निकलकर अच्छी तरह से रखती है। उस ड्रेस के साथ मैचिंग इयररिंग्स रखती है, उस ड्रेस के साथ मैचिंग चूड़ियां रखती है कि नहीं, लिपस्टिक रखती है, बिंदी रखती है मैच करने वाली, उसके बाद वो जाके नहाती है, नहाते वक्त शैंपू का इस्तेमाल करती है, नहाने के बाद वो आधा घंटा योगा करती है, उसके बाद जाकर वो आईने के सामने बैठती है और तैयार होती है। क्या निधि स्कूटर पे से ऑफिस जाएगी? ऑब्वियसली नहीं जाएगी, इतना सज धजने के बाद कोई स्कूटर पे से नहीं जाएगा, वो जाती है ऑटो से या फिर टैक्सी से। दोनों में क्या फर्क है, क्या पता चलता होगा ऑफिस वालों को उन दोनों को देख के? मैं बताता हूं। नम्रता के बारे में पता चल रहा है कि उसे सजने संवरने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, उसे नींद प्यारी है। और निधि के बारे में पता चलता है कि वो बहुत डिसिप्लिन्ड लड़की है, उसे सजने संवरने का बहुत शौक है, वो चाहती है कि हर एक आदमी अच्छे कपड़े पहने, अपने हेल्थ का ख्याल रखे, पॉजिटिव बने। लेकिन नम्रता का वैसा नहीं है, नम्रता काम के बारे में ज्यादा सोचती है, अपने बारे में नहीं सोचती। तो देखिए, सिर्फ एक्सटर्नल अपीयरेंस की वजह से हमें उनकी आदतों के बारे में भी पता चल रहा है और उनकी विचारधाराओं के बारे में भी पता चल रहा है। बहुत जगह पे हम लोग देखते हैं लोग जिस तरह से कपड़े पहन के आते हैं, जिस तरह से वो दिखते हैं, उससे हमें पता चल जाता है कि ये आदमी कैसा है। अब आप पूछेंगे इसमें भी एक्सेप्शन हो सकते हैं क्या? जी हाँ, हो सकते हैं, क्यों नहीं हो सकते, एक्सेप्शंस हर एक कैरेक्टराइजेशन में हो सकते हैं। तो चलिए अब हम आगे का मुद्दा देखते हैं। तो दोस्तों, आगे का अपना मुद्दा है किसी भी कैरेक्टर का बोलने चलने का तरीका। जी हाँ दोस्तों, किसी भी कैरेक्टर का बोलने चलने का तरीका
उसके स्वभाव के बारे में हमें बहुत कुछ बताता है। जैसे कि कोई कैरेक्टर मीठा बोलने वाला होता है, हम सब समझते हैं कि मीठा बोलने वाला आदमी किसी के साथ संबंध बिगाड़ना नहीं चाहता और वो सामने वाले से अपना काम भी करवाना चाहता है। कोई आदमी तीखा बोलने वाला होता है, यानी कि सच्चाई बोलने वाला, ऐसे आदमी से हम लोग डरते ही हैं क्योंकि हमें सच्चाई सुनना पसंद नहीं होता। लोगों को सच्चाई सुनना ज़्यादा पसंद नहीं होता, लेकिन फिर भी तीखा बोलने वाला, हमेशा तीखा बोलने वाला आदमी, उसको जो बोलना है वो बोलता है। कोई आदमी बड़ी आवाज में बोलता है ताकि वो चाहता है कि आसपास का हर एक आदमी उसकी बात सुने। कोई आदमी आराम से, बहुत ही आराम से सोच समझ कर बोलता है क्योंकि उसे मालूम होता है कि बोलना कम है। वो बोलता कम है, सुनता ज्यादा है। ऐसे बहुत सारे एक्सपीरियंस्ड अनुभवी लोग हमारे भी लाइफ में आते हैं। ऐसे बहुत सारे कैरेक्टर्स हम हमारी जिंदगी में भी तो देखते हैं, लेकिन दोस्तों हम उनकी सुनते ज्यादा नहीं हैं। वो बोल तो रहे होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट, लेकिन लोग सुनते नहीं हैं। उनकी इंपॉर्टेंस हमें तब याद आती है जब वो नहीं होते। तो इस तरह किसी भी कैरेक्टर के बोलने का अंदाज हमें उस कैरेक्टर के बारे में बहुत कुछ बताता है। इसके बाद बात करते हैं कैरेक्टर का चलना। जी हाँ दोस्तों, चलने के बारे में बात करते हैं। किसी कैरेक्टर के चलने की आदत हमें बहुत कुछ बताती है। जैसे कि कुछ लोग जल्दी जल्दी चलते हैं, तेजी से चलते हैं, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ चलते हैं। आपने बहुत सारी फिल्मों में देखा होगा, ज्यादा करके साउथ इंडियन फिल्मों में, जहां पे जो हीरो होता है बहुत ही स्टाइल में चलता है, तेजी से चलता है, स्टाइल से एक हाथ चीज उठाता है, स्टाइल से बात करता है, जिससे पता चलता है उसका कॉन्फिडेंस। कुछ लोग जल्दी जल्दी इसलिए चलते हैं क्योंकि वो डरते हैं, जहां पे उन्हें पहुंचना है वहां पे उन्हें टाइम पे पहुंचना होता है। कुछ लोग आराम से चलते हैं, अपना टाइम लेके चलते हैं। शायद वो लोग अमीर होते हैं, शायद उन्हें कोई टेंशन नहीं होती, या फिर शायद वो कलाकार होते हैं, शायद वो कवि होते हैं, अपनी धुन में होते हैं। वो गरीब होते हैं लेकिन अपनी ही सोच में डूबे हुए होते हैं, हो सकता है। तो देखिए दोस्तों, किसी भी आदमी के, यानी कि किसी भी कैरेक्टर के बोलने के और चलने के अंदाज से हमें उस कैरेक्टर के बारे में बहुत कुछ पता चलता है। तो दोस्तों, इसके आगे वाला हमारा मुद्दा है तकिया कलाम। क्या होता है तकिया कलाम? तकिया कलाम का मतलब यह होता है कि कोई भी कैरेक्टर एक शब्द, एक हाथ वाक प्रचार या फिर कोई एक लाइन कुछ देर बाद दोहराते रहता है, यानी कि बीच बीच में बार बार बोलते रहता है, उसकी आदत सी पड़ गई होती है। तो दोस्तों, मेरा एक दोस्त है जिसका तकिया कलाम है वही तो। यानी कि मान लीजिए इंडिया कोई मैच हार गया और हम सब दोस्त लोग बैठे हुए हैं, और अगर कोई दोस्त बोला कि क्या यार, आज बैट्समैन ने ठीक तरह से परफॉर्म नहीं किया इसलिए हम मैच हार गए, तो वो मेरा दोस्त बोलता है वही तो, बैट्समैन ने तो अच्छा परफॉर्म करना ही चाहिए, बैट्समैन परफॉर्म करते तभी मैच जीतती है, बैट्समैन ने अच्छा परफॉर्म करना चाहिए। और अगर दूसरा कोई फ्रेंड बोला अरे नहीं यार, बैट्समैन ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, क्या बात कर रहा है, इतने अच्छे रन तो निकाले, बॉलर्स ने कुछ किया नहीं, बॉलर्स ने सबसे खराब परफॉर्मेंस किया, तो ये मेरा दोस्त बोलेगा वही तो, बॉलर्स ने तो अच्छा परफॉर्म करना ही चाहिए, बॉलर्स परफॉर्म नहीं करते इसलिए तो मैच हारते, बॉलर्स इंपॉर्टेंट है, बॉलर्स ने अच्छा परफॉर्म करना चाहिए। और अगर तीसरा कोई फ्रेंड बोला अरे छोड़ यार, ये सब फिक्स होता है, सब फिक्सिंग होता है, ये सब डिसाइडेड होता है, ये कुछ नहीं होता है मैच बीच, सब हमको दिखाने के लिए फिक्स होता है, मैच फिक्सिंग होता है, तो ये मेरा दोस्त बोलेगा वही तो, फिक्सिंग होता है, कुछ फायदा नहीं है देख के, सब फिक्स होता है, वही तो मैं बोलने चाहता हूं, वही है। हाँ दोस्तों, इसके बाद वाला हमारा सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा है उस कैरेक्टर का फैमिली बैकग्राउंड, सोशल बैकग्राउंड। कहां पे रहता है वो, किस एरिया में, क्या वो फ्लैट में रहता है, क्या वो चाली में रहता है, क्या वो किसी झोपड़पट्टी में रहता है,
मान लीजिए एक ऑफिस में एक लड़का काम करता है जिसका नाम है अशोक। अशोक एक गरीब घर का लड़का है, वो सबसे बड़ा भाई है उस घर में, उसके और दो छोटे भाई हैं, उसकी माँ है, उसके पिताजी नहीं है। माँ बहुत सारे जगह बर्तन मांजने का काम करती है और अशोक को अभी अभी 3-4 महीने पहले जॉब लगी हुई है। कैसे बर्ताव करेगा ये अशोक, किस तरह से होगी इसकी लाइफस्टाइल? अशोक स्टेशन से लेकर ऑफिस तक चल के जाएगा, वो पैसे बचाएगा। अशोक बहुत ही सिंपल कपड़े पहनेगा। अशोक के पास कोई ब्रांडेड या फिर बहुत बड़ा स्मार्टफोन तो नहीं होगा, उसके पास होगा सीधा साधा मोबाइल फोन। वो सबसे अच्छी तरह से बात करेगा, किसी झमेले में नहीं पड़ेगा, वो कोई भी एक्स्ट्रा खर्चा नहीं करेगा, क्योंकि उसे मालूम है कि उसके ऊपर उसके दो छोटे भाइयों की और उसके मां की जिम्मेदारी है। अब मान लीजिए उसी ऑफिस में दूसरा एक लड़का काम कर रहा है जिसका नाम है जतिन। जतिन एक गुजराती फैमिली से है, एक बिजनेसमैन फैमिली से। जतिन इसलिए काम कर रहा है कि उसे एक्सपीरियंस चाहिए, उसके पास पैसे की तो कोई कमी नहीं है। उसके पिताजी ने उसे इस ऑफिस में भेजा ही इसलिए है कि जाओ जाके कुछ एक्सपीरियंस ले लो। जतिन के पास बहुत पैसे हैं, उसके पास ब्रांडेड स्मार्टफोन है, उसके कपड़े भी महंगे हैं, उसका बोलने चलने का तरीका भी है, वो थोड़ा कॉन्फिडेंस वाला है। जतिन जो है थोड़ी छाती फुलाकर चलता है और अशोक थोड़े कंधे गिराकर चलता है। जी हाँ दोस्तों, फैमिली बैकग्राउंड डिसाइड करता है कि कोई भी आदमी कैसे बर्ताव करेगा। तो मान लीजिए एक दिन जतिन अशोक को कहता है, भाई चल टैक्सी से चलते हैं स्टेशन, चला जा मेरे साथ। तो अशोक क्या कहेगा? सबसे पहले तो अशोक कहेगा, नहीं वो मेरे पास पैसे नहीं है। इस पे जतिन क्या बोलेगा, पैसे मांगा क्या तेरे को? हाँ पैसे मांगा क्या मैंने, चलना छोड़ देता हूं तेरे को। उसके बाद अशोक किस तरह से उसके साथ टैक्सी में से जाएगा, वो उसके साथ टैक्सी में बैठेगा। इसके बाद अशोक जब जतिन के साथ टैक्सी में से स्टेशन की तरफ जा रहा है, उसके दिमाग में एक ही विचार आ रहा है कि कितना होता है स्टेशन तक टैक्सी का भाड़ा। जी हाँ दोस्तों, वो यही सोचेगा कि कितना भाड़ा होता है। और जब स्टेशन आता है और जतिन 80 रुपया निकाल के ड्राइवर को देता है, तो अशोक ये सोचने लगता है कि उसी 80 रुपयों में मेरे घर में क्या क्या खर्चे निकाले जा सकते हैं, कितने दिन की सब्जी लाई जा सकती है, कौन सा बिल भरा जा सकता है, कौन से खर्चे निकाले जा सकते हैं। क्योंकि दोस्तों अशोक का ये स्वभाव बन गया है कि उसे घर चलाना है, उसके ऊपर उसके फैमिली की जिम्मेदारी। हमारा फैमिली बैकग्राउंड हमें बहुत सारी आदतें भी डाल देता है। जैसे कि मैंने मेरे बड़े भाई को बहुत बार देखा हुआ है, तब मैं स्कूल में जाया करता था और मेरा बड़ा भाई जॉब करता था। हम 4 भाई थे, पिताजी की कंपनी बंद पड़ गई थी। मेरे भाई को एक आदत थी, रात को जब सब लोग सो जाते थे तब मेरा भाई उठकर दरवाजे के पास जाता था और दरवाजे की कड़ी 3 बार चेक करता था, गिन के 3 बार, 1 बार, दूसरी बार, तीसरी बार, 3 बार हाथ लगा के कड़ी को चेक करता था कि वो ठीक तरह से लगी है या नहीं, लॉक हुई है या नहीं। उस टाइम पे तो मैं बहुत मजाक उड़ाता था इस चीज का। बहुत लोगों को मैं मेरे भाई की नकल भी करके दिखाता था कि किस तरह वो कड़ी चेक करता है। लेकिन धीरे धीरे जैसी मेरी समझ बढ़ गई, अब मुझे पता चल रहा है कि मेरा भाई वैसे क्यों करता था। वो इसलिए करता था कि उस जमाने में 90 के दशक में जो सैलरी मिलती थी जॉब की, जो पगार मिलता था, वो कैश में मिलता था। हर एक आदमी कैश घर में रखता था, मेरा भाई भी वो सैलरी जो है वो घर में रखता था। उसे मालूम था कि ये जो घर में कैश हमने रखी है, जो सैलरी रखी है, उस पे हमारे पूरी फैमिली का पूरे महीने का खर्चा निकलने वाला है। तो उस पर उस पैसे की एक जिम्मेदारी थी, वो डरता था कि कहीं वो पैसे चोरी ना हो जाए। और इसीलिए
सबके सोने के बाद वो उठकर कड़ी 3 बार चेक करता था। देखा आपने दोस्तों, एक फैमिली की बैकग्राउंड एक आदमी को, एक कैरेक्टर को क्या क्या करवा सकती है। तो इसीलिए किसी भी कैरेक्टर की फैमिली बैकग्राउंड बहुत इंपॉर्टेंट होती है। कभी भी कहीं भी आपको एक्टिंग करते वक्त इस चीज की तरफ ध्यान रखना है कि इस कैरेक्टर का फैमिली बैकग्राउंड क्या है, कौन से फैमिली से ये कैरेक्टर आया है, इसकी फैमिली में कौन है, वो लोग क्या क्या करते हैं, जिससे आपको पता चलेगा कि एक स्पेसिफिक यानी कि एक विशिष्ट सिचुएशन में ये कैरेक्टर किस तरह से रिएक्ट होगा। तो इस तरह ये था फैमिली बैकग्राउंड। तो दोस्तों, अब तक हमने बहुत सारे मुद्दों पर बात की जिस पर कैरेक्टराइजेशन किया जाता है, जिन मुद्दों को लेकर एक राइटर, एक एक्टर कैरेक्टराइजेशन करता है। अब मैं आपको सबसे आखिरी और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कैरेक्टराइजेशन में होता है, उस कैरेक्टर का साइकोलॉजिकल बैकग्राउंड यानी कि उसकी मानसिक पृष्ठभूमि। ये क्या होता है साइकोलॉजिकल बैकग्राउंड, एक आसान तरीके से बताता हूं। आपके जन्म से लेके अब तक यानी ये वीडियो देखने तक आपके ऊपर आपके जिंदगी में होने वाले हर एक घटना का, हर एक इंसिडेंट का एक परिणाम होते रहता है, एक इम्पैक्ट होते रहता है, जिससे पैदा होता है आपका अपना पर्सनल बिहेवियरल पैटर्न यानी कि आपका बर्ताव का एक तरीका। फॉर एग्जाम्पल समझ लीजिए, आपके किसी एक दोस्त ने किसी एक नए शहर में आपको मिलने के लिए बुलाया। आप वहां गए, रेलवे स्टेशन से बाहर आ गए, वही एक टैक्सी ड्राइवर ने आपसे पूछा कि कहां जाना है। आपने कहा कि चलो मुझे ये गांधीनगर जाना है, मुझे मालूम नहीं। टैक्सी वाले ने बोला चलो मैं छोड़ देता हूं। टैक्सी वाला आपको गांधीनगर लेके जाता है, आपको पहुंचाता है और आपसे ले लेता है 200 रुपये, जो कि भाड़ा हुआ है 200 रुपये। तब आपका दोस्त जब आपसे मिलता है और आपको पूछता है आप कैसे आए, और आप बता देते कि भाई मैं टैक्सी से आया और 200 रुपये ले लिए, और आपका दोस्त बोलता है अरे 200 रुपये कैसे लिए, यहाँ पे आने के तो 100 रुपये होते हैं, और वैसे भी वहां पे शेयरिंग में भी मिल जाती है टैक्सी, जहां तुम 20 रुपये में भी आ सकते हो। अब होता यह है कि इस घटना की वजह से आपका उस टैक्सी वाले के ऊपर से विश्वास उठ जाता है, और अब इसके आगे आपको कभी भी किसी नए शहर में अगर कोई बुलाता है तो सबसे पहले तो आप उसको फोन करके पूछेंगे कि भाई तेरे घर आना कैसे है, टैक्सी पकड़नी है, शेयर टैक्सी मिलती है कि नहीं मिलती है, अगर टैक्सी से आना है तो कितना होता है, ऑटो से आना है तो कितना होता है कि नहीं। ये आपने क्यों किया, इसलिए किया क्योंकि लास्ट एक्सपीरियंस यानी कि जो पिछला आपका अनुभव था उसने आपके बर्ताव को बदल दिया। उस वक्त तो आपने टैक्सी वाले पे विश्वास रख दिया, लेकिन उस घटना की वजह से, उस एक्सपीरियंस की वजह से अब इसके आगे आप किसी टैक्सी वाले पे विश्वास रखेंगे ही नहीं। तो ये होता है साइकोलॉजिकल बैकग्राउंड यानी कि अपनी जिंदगी में जितनी भी घटनाएं घटती है, जितने भी इंसिडेंट्स होते हैं, उसके कुछ भले कुछ बुरे इंपैक्ट्स होते रहते हैं अपने दिमाग पर, अपने दिल पर, जिससे हम डिसाइड करते हैं कि हमें क्या करना है। दोस्तों, पिछले 10-15 सालों से ये साइकोलॉजिकल बैकग्राउंड बहुत इंपॉर्टेंट होते जा रहा है, क्योंकि लोग उसी तरह के कैरेक्टर देख के बोर हो गए हैं, उन्हें कैरेक्टर्स में नयापन चाहिए, उन्हें कुछ अलग कैरेक्टर्स देखने हैं, और कैरेक्टर्स का अलगपन तभी दिखाई देता है जब उसका कोई एक साइकोलॉजिकल बैकग्राउंड, उसके बैक स्टोरी का कोई हिस्सा ऑडियंस को दिखाई देता है। जैसे कि अगर अपना हीरो जो है वो दोस्तों के साथ पार्टी तो करता है लेकिन शराब नहीं पीता, क्योंकि कहानी में हम दिखाते हैं कि जब वो छोटा था उसके पिताजी बहुत शराब पीकर घर आते थे और उसकी मां को बहुत मारते थे, उसकी मां बहुत रोती थी, और अपना हीरो जो है उसके दिमाग से वो बात अभी तक गई नहीं। अब ये लड़का यानी कि हीरो कभी भी शराब नहीं पिएगा क्योंकि वो अपने मां से बहुत प्यार करता है, उसने जब भी शराब को देखा है उसे रोती हुई मां ही याद आई है। तो ये होता है साइकोलॉजिकल बैकग्राउंड का इंपैक्ट। इसे इंडस्ट्री में कहा जाता है
बैक स्टोरी। जी हाँ दोस्तों, BAC के बैक, बैक स्टोरी, यानी कि किसी भी कैरेक्टर की स्टोरी से रिलेटेड साइकोलॉजिकल बैकग्राउंड, यानी कि स्टोरी में जो जो सीन्स उस कैरेक्टर के हैं, उस सीन में कैरेक्टर ने जो भी बर्ताव किया, जो भी रिएक्शंस दी, उसने जो भी डिसीजन लिए, उसके पीछे क्या राज है, ये बताने के चीजें या बताने के सीन्स, ये बताने की जो डिटेलिंग होती है, उसे कहा जाता है बैक स्टोरी। तो इस तरह हर एक कैरेक्टर की बैक स्टोरी राइटर बनाता है, और वो बैक स्टोरी हर एक एक्टर कैरेक्टर निभाने से पहले अच्छी तरह समझ लेता है, क्योंकि जैसे हमारे जीवन में हमारे साइकोलॉजिकल बैकग्राउंड यानी कि हमारी बैक स्टोरी हमारे बर्ताव पे इफेक्ट करती है, उसी तरह कैरेक्टर की बैक स्टोरी उसके बर्ताव पे, उसके एक्शंस रिएक्शंस पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट करती है।